फनाना के गांव पटकारपुर में कथित तौर पर पुलिस की गोली का शिकार हुए नहेदा निवासी साहिब के मामले को लेकर चल रहा धरना आज चौथे दिन भी जारी रहा। इस मौके पर इलाके में भारी संख्या के लोगों के अलावा पूर्व मंत्री आफताब अहमद, पूर्व मंत्री आज़ाद मोहम्मद, पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास, विधायक जाकिर, विधायक नजीम अहमद सहित विभिन्न वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पंचायत के लोग एवं नेतागण मृतक साहेब के पोस्टमार्टम के बाद उसके शव का इंतजार कर रहे हैं। वहीं इलाके के कुछ लोगों ने पुनाना कस्बे के होडल नगीना रोड को जमालगढ़ रोड स्थित दुकानों को जबरन बंद कराया। पिछले चार दिन से पुनाना के अनाज मंडी में धरने के नाम पर जुट रही भीड़ ने पुलिस और प्रशासन की नींद उड़ा कर रख दी है, जिसकी वजह से प्रशासन किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुनाना में भारी पुलिस बल का तैनात किया हुआ है। पुलिस कप्तान नाजनीन भसीन सुरक्षा इंतजामों का समय समय पर जायजा ले रही हैं। वहीं पंचायत की गतिविधियों पर भी नज़र रखने के लिए पुलिस विभाग ने अपने गुप्तचर छोड़ रखे हैं। साहिब हत्याकांड किया गया है, उसको इंसाफ दिलाने के लिए ये धरना प्रदर्शन जो है अपने पांचवें रोज में आज पहुंच चुका है, और जब तक हमारी दोषियों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला जाएगा और निर्दोषों के खिलाफ जो झूठे मुकदमे बने हैं वो कैंसिल नहीं किए जाएंगे, जब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। और यही कमेटी का फैसला है, यही सब इलाके के लोगों का फैसला। आज बाजार के दुकान बंद हुई है, अड्डे की रोड की जो सारी दुकान है, इसके बारे में क्या कहना है? यही कहूँगा कि सभी 36 बिरादरी का ये दर्द है। ये साहिब हत्याकांड में हमारे साथ सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है, और इसी संदर्भ में आज कमेटी ने भी उनका शुक्रिया अदा भी किया है कि सब दुख में साझा हो रहे हैं और सब तरफ से लोग चाहे शरीक होकर चाहे अपने दुकान प्रतिष्ठान को बंद करके उसमें अपना समर्थन दे रहे हैं। पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ अब इंतहा हो गई है, और जब तक उसके इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। देश विदेश के राज्य प्रदेश की सभी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।